नमस्कार। खत्म होते हुए साल के दूसरे चक्रवाती तूफान यास और मॉनसून 2021 के आगमन के बीच कैसा रहेगा मौसम का हाल? मैं असीम कुमार मित्रा, वैज्ञानिक मौसम विज्ञान विभाग। मैं आज आपको पिछले सप्ताह कैसा रहा मौसम का हाल और आने वाले 2 सप्ताह कैसा रहेगा मौसम का मिजाज बताने जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, 20 से 26 मई 2021 के दौरान बादलों का पैटर्न और मौसम प्रणाली में मुख्य रूप से जो 4 बातें जो आई हैं, उनमें बहुत भीषण चक्रवाती तूफान यास बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना और इसी सप्ताह के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ा। 3 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ गए, जैसा कि आप सैटेलाइट के उपग्रह के चित्रों से आप देख सकते हैं। उत्तरी भागों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, तो इसी तरह से 3 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की ओर आगे बढ़े और भारत के विभिन्न हिस्सों में कम अवधि के लिए कुछ चक्रवाती परिसरण और ट्रफ विकसित हुए। मौसम के पूर्वानुमान देने वाले अगर मॉडल की हम गणना देखें, चित्रों को देखें, भीषण चक्रवाती तूफान यास को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अब जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार है दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति 2021 के बारे में, तो दक्षिण पश्चिम मानसून 21 मई 2021 को दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, निकोबार द्वीप समूह, पूरे दक्षिण अंडमान सागर और उत्तरी अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया। यह दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया। 22 मई के दौरान यह दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से और संपूर्ण अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ा। 25 मई को मालदीव कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। जैसा कि हमने अभी देखा, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यास का जो जन्म हुआ, 22 तारीख को बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना। यह 23 तारीख की सुबह पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवसाद में केंद्रित हो गया। बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर उसी दिन की रात्रि में एक गहरे निम्न दबाव में बना, जिसे व्यावहारिक रूप से स्थिर रहा और 24 की सुबह पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान यास में बदल गया। यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा, जैसे कि हम चित्रों से देख सकते हैं, और 24 मई की रात में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। अगले उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा, इसकी जो बड़ा आगमन है या आगे की ओर गया। 25 मई की शाम को बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी के ऊपर एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में जो बदल गया, उसके उपरांत उत्तर पश्चिम की ओर इसमें बढ़ना जारी रखा और उत्तर ओडिशा तट के अक्षांश 21.35 नॉर्थ और देशांतर 86.95 के आसपास बालासोर के दक्षिण में लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत चक्रवाती, गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार किया, जिसकी अधिकतम निरंतर हवाओं की गति अगर हम देखें तो 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा रही और 26 मई 2021 को 10:30 से 11:30 के बीच 150 मिलीमीटर प्रति घंटा के बीच रही। इसे पार करने के बाद 26 मई को 14:30, जिसको हम 2:30 बजे कहते हैं, को पूर्वोत्तर उड़ीसा के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में कमजोर हो गया। यह उत्तर पश्चिम की ओर चला गया और 26 मई की शाम को उत्तरी उड़ीसा के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में कमजोर हो गया और 26 मई 2021 की रात में दक्षिण झारखंड और इससे सटे उत्तरी आंतरिक उड़ीसा के ऊपर एक डीप डिप्रेशन में बदल गया। इसके बाद ये झारखंड के मध्य भागों में 27 मई 2021 के 11:30 बजे के आसपास एक डिप्रेशन में और एक कमजोर हो गया। जैसे कि हमने देखा, इस साल लगातार एक के बाद एक दो चक्रवाती तूफान आए, हम कह सकते हैं एक के बाद एक दो चक्रवाती का सही सफल पूर्वानुमान हुआ और हम इस स्तर में पहचाने जाते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग। 20 से 26 मई के दौरान अगर हम वर्षा जो दर्ज की गई उसके अगर हम एक तरह से उस पर अगर हम नजर डालें तो छिटपुट स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा के साथ भारी से भारी वर्षा हुई, खासकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, उड़ीसा, उत्तराखंड में एक एक दिनों में यहाँ पे भारी से भारी वर्षा छिटपुट जगह पे हुई। भारी से बहुत भारी वर्षा को अगर हम देखें तो रॉयल सीमा में 2 दिन, उड़ीसा में वेस्ट, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, माहे और 1 दिन इन सभी जगह पे पिछले सप्ताह देखने को मिला। और अलग अलग जगहों पे अगर हम देखा जाए, पूरे भारत के राज्यों और स्थानों का अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार में 5 दिनों में, अरुणाचल प्रदेश में, असम, मेघालय, साउथ इंटीरियर कर्नाटका 4 दिन में, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, बिहार में हुआ, तेलंगाना, केरला, माहे और 2 दिन इन जगहों पे हुई, गैंगटिक वेस्ट बंगाल, वेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ईस्ट एंड वेस्ट राजस्थान, ईस्ट एंड वेस्ट मध्य प्रदेश और रायल सीमा में भी 1-1 दिन
दर्ज की गई पिछले सप्ताह में। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रादेशिक केंद्र हमारे भुवनेश्वर से रेनफॉल भुवनेश्वर में दर्ज की गई। अगर हम समय उसके को देखें तो 8:30 बजे 24 तारीख से लेकर 25 तारीख के 8:30 के बीच भुवनेश्वर में 37.1 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई। कटक में 17.6 दर्ज की गई। अगर आप चित्रों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं भारी से भारी वर्षा खासकर जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा भद्रक बालासोर में ये हरे कलरों में ये चीज को दिखाया गया है। पारादीप जगत सिंहपुर में 161 जगत सिंहपुर में 110 मिलीमीटर रेनफॉल केंद्रपाड़ा राजखनिका काकापुर बालीकुड़ा तिरटोल धर्मनगर बारी सो इन जगहों पे अगर आप देखें आप यहाँ पे भारी से भारी वर्षा दर्ज की गई 25 तारीख की सुबह 8:30 बजे। अगर हम 26 तारीख का देखें तो आप उसमें इसमें भी जो पैटर्न रहा जो एक तरह से वर्षा का जो दर्ज की गई वो ऑलमोस्ट सेम रहा। एक तरह से पूरी जगत सिंहपुर कटक केंद्रपाड़ा जयपुर एक तरह से भद्रक बालासोर मयूरभंज केवंझर आप देख सकते हैं उसके रेनफॉल का जो अमाउंट जो दर्ज हुआ वर्षा जो दर्ज की गई ये भारी से भारी वर्षा के बीच की रही। अगर हम 27 तारीख का देखें 27 मई 2021 8:30 बजे जो रिकॉर्ड की गई वर्षा का जो पैटर्न है वो उत्तरी दिशा में बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं झारसुगुड़ा जो खासकर देवगंज केवंझर मयूरभंज बालासोर जयपुर देनकनाल अंगूल सो इस तरह से वर्षा का जो दर्ज किया गया धीरे धीरे ऊपर उत्तरी दिशा की ओर उत्तरी उत्तरी पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ा है। अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो यहाँ पे भी भारी बारिश दर्ज की गई। अगर पिछले 24 घंटे के दौरान अगर हम देखा जाए 27 तारीख को जो एंड हुआ उसमें डायमंड हार्बर में भारी वर्षा दर्ज की गई 110.8 हल्दिया में 57.7 दमदम में 7.2 कोलकाता में 51.0 और बगाती हुगली में 7.6 रेनफॉल दर्ज की गई। अगर विंड हवाओं का अगर गति देखा जाए तो हवाओं की गति काफी ज्यादा रही। अगर 26 मई 2021 को अगर हम देखा जाए तो दीघा में खासकर 120 किलोमीटर पर आवर की दिशा में हवाएं चली जो काफी विध्वंसकारी भी रही थोड़ी बहुत। अगर हम सप्ताह का अगर हम नजर डालें जैसे कि हम पिछले सप्ताह देखे थे कुछ जगहों पे ये रेड और येलो थी लेकिन आज अगर हम देखें बिकॉज ऑफ अगर हम इसको पूरी तरह से हम साइक्लोन से अगर रिलेट करें तो पूरी जगहों पर आप वर्षा देख सकते हैं। कंट्री एज ए होल पूरे देश में 16% डिपार्चर दिखकर नोट किया गया। उत्तर पश्चिम दिशा में 239%, मध्य भारत में 146%, साउथ पेनिनसुला में 117% और उत्तर पूर्वी राज्यों में जिसमें थोड़ी बहुत पिछले सप्ताह कम थी अभी वो 16%। एक तरह से सभी जगहों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। अगर हम सीजनल एस्पेक्ट्स देखें अगर हम कंट्री एज ए होल जैसे पूरे भारत में अगर देखें तो इस पूरे भारत में भी बरसात 12% रही। अगर हम सीजन की उसमें देखें सीजन मतलब यहां मैं कहना चाहूंगा 1 मार्च से 26 मई 2021 नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम राज्यों में 7% रही। थोड़ी बहुत अगर आप देखा जाए इसमें जो -24% दर्ज की गई है वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में नोट की गई। अब हम आते हैं तापमान के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर जिसको अधिकतम तापमान क्या रहा वीक में सो हम देख सकते हैं चित्रों में अगर हम देखें इमेज में देखें पूर्वी तट और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतर तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री कम था जहां ये सामान्य और अगर हम पूर्वी तट और उत्तर पश्चिम देखें यहाँ सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक थी। सो एक जो बड़ी दौरान जो बात यहाँ से निकल के सामने आई जैसा कि हमने पूर्वानुमान किया था पिछले एक सप्ताह के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू नहीं लगी। अब आते हैं सिनॉप्टिक फीचर्स फोरकास्ट क्या था 27 तारीख क्या है 27 मई 2021 को तो जैसा कि मैंने कहा साउथ वेस्ट मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी लगातार आगे बढ़ने की गति बन रही है खासकर इस सेंट्रल बे ऑफ बंगाल मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और कुछ पार्ट में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में पश्चिमी विक्षोभ जो कि एक तरह से एज ए ट्रफ की तरफ से देखा जा रहा है जो 78 डिग्री अक्षांश में है और लैटिट्यूड 28 डिग्री नॉर्थ में दिख रहा है। अगर हम ओवरऑल हम बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह वेस्ट अफगानिस्तान में दिख रहा है और नेबरहुड में जो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में ये दिख रहा है आप चित्रों में देख सकते हैं एक WD जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कह रहे हैं उसका एक तरह से आगमन हो रहा है और इससे 31 मई 2021 के आसपास माफ कीजिएगा 31 मई 2021 के आसपास अगर हम दूसरे राज्य दूसरे भागों की अगर हम
नजर डालें, 31 मई 2021 के आसपास केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है, जो कि एक अच्छी खबर है। डीम डिप्रेशन जो मैंने अभी जस्ट हम डिस्कस किए, जो पिछले सप्ताह जो यास के बारे में हम जिक्र किए, वो एक साउथ झारखंड से होता हुआ नियरली नॉर्थवर्ड की तरह उसका मूवमेंट रहा, जिसकी रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा पिछले 6 घंटों में दर्ज की गई और वो डिप्रेशन में ये कन्वर्ट हो गया और सिस्टम धीरे धीरे और वीकन होते जाएगा जैसे इसकी अवधि बढ़ती जाएगी। हम आते हैं अगले 5 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी में। हम देखे, हम चित्रों को देखे और उसके साथ उनकी जगहों पे किन स्थानों पे होने वाले 27 तारीख को, जैसा कि आपने देखा कि भारी से भारी वर्षा छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी में देखने को मिल रहा है। 28 तारीख जो कि आज है, भारी से भारी वर्षा होने की संभावना दिख रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, भारी वर्षा देखने को मिल रही है हमारी हिमालयन के वेस्ट बंगाल, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड में। 29 तारीख की अगर हम बात करें तो हैवी रेनफॉल जो खासकर देखने को मिलेगा बिहार, अंडमान निकोबार आइलैंड और केरला के माहे में। 30 तारीख की हम बात करें हैवी रेनफॉल जो आपकी जो सबसे ज्यादा संभावनाएं दिख रही असम, मेघालय और केरला में और माहे में। और 31 तारीख को रेनफॉल जो सबसे ज्यादा होने की संभावना है, जिसको हम भारी वर्षा कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल एंड केरला एंड माहे। अगर हम पूर्वानुमान देखें, अगर हम मॉडल की जो हम पूर्वानुमान देखें, अगर 2 सप्ताहों को अगर हम अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से अगर आकलन करें, तो आप देख सकते हैं जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य हैं, खासकर आप अगर हम गैंगेटिक वेस्ट बंगाल को भी इंक्लूड करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में इसमें काफी वर्षा का इसमें आगमन होना सूचित हो रहा है। अगर आप देखें केरला की साइड में, केरला की दिशा में, केरला में भी काफी अच्छी रेन होने की संभावना दिखाई देगी, जिससे कि हम मानसून के आगमन को बहुत अच्छी तरीके से हम बता सकते हैं। 31 मई के दौरान हमने कहा हुआ है फोरकास्ट रेनफॉल की एनोमली से भी इस चीजों को बहुत अच्छी से हम आगमन कर सकते हैं। दूसरे सप्ताह अगर देखें, दूसरे सप्ताह भी स्थिति यथावत बनने की दिख रही है। पूरे पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट में आपको अच्छी रेनफॉल दिखने को मिल रही, साथ ही साथ जो उत्तर उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर भी रेनफॉल आपको दिखने को मिल रही है। अगर हम रेनफॉल पहले सप्ताह देखें 28 मई से 3 जून के बीच कैसा रहेगा, तो इन्फ्लुएंस जैसे मैंने क्या कहा कि अभी यास चक्रवाती तूफान का एक अच्छा एक प्रभाव रहा है, जिसके कारण भारी से भारी वर्षा, अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिल रही है बिहार, हैवी ट्यूबल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के राज्यों में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में 27-28 को, बिहार में 28 को, और भारी वर्षा लाइकली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 27 तारीख को ये देखने को मिली। लाइट टू मॉडरेट स्कैटर्ड वाइड स्प्रेड रेनफॉल, थंडर शावर वेरी वेल आपको दिखे, अच्छे से दिख रहा है केरला माहे, लक्षद्वीप, जैसा कि हमने पूर्वानुमान के जो NWP के पूर्वानुमान के जो इमेज और चित्रों को हमने जो देखा, आने वाले 2 से 3 दिनों में काफी भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही है। इंटेंसिटी उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस काफी जगह में इंक्रीज दिख रही है धीरे धीरे, एंड देन फाइनली वेट स्प्रेड और वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना दिख रही है दूसरे सप्ताह में। आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी आपको केरला माहे जगहों में दिख रही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मानसून का आगमन की एक तरह से ये विदित कर रहा है। अंडर द ये जो मेरा अगर उत्तरी दिशा में अगर हम जाए, अगर हम उत्तरी राज्यों को देखें, उत्तरी भागों के राज्यों को देखें, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के साथ इंटरैक्शन हवाओं का रहेगा, जिससे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खासकर उत्तर पश्चिमी राज्यों में 29 मई से 2 जून के बीच एक रेनफॉल थंडर शावर होने की संभावना काफी दिख रही है। फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल देखने की संभावनाएं दिख रही है अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी दिस सप्ताह, और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल अगर हम कहें और थंडर शावर जो कि हम इसको गणना कर रहे हैं बहुत लाइकली दिख रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहले सप्ताह में। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें 4 जून से 10 जून के बीच रेनफॉल एक्टिविटी वो बड़ी नॉर्मल होने जा रही है साउथर्न पेनिनसुला में, दक्षिणी पेनिनसुला भागों में, एक्सेप्ट छोड़ दे केरला और कोस्टल कर्नाटक जहां पे ये लाइकली टू बी बिलो नॉर्मल से नियर नॉर्मल रहेगी। हालांकि वर्षा का जो हम पूर्वानुमान ऐसा लग रहा है दूसरे सप्ताह में वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा पूर्वी राज्यों में और बिलो नॉर्मल रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में। सो एक तरह से कह सकते हैं इट इज लाइकली टू बी नियर नॉर्मल ओवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री, एक तरह से भारत के अदर बाकी स्थानों और भागों में ये नियर नॉर्मल रहने की संभावना है। अगर हम तापमान में जाएं, कैसा रहेगा तापमान 28 मई से 3 जून के बीच, पहला सप्ताह अगर हम देखें, चित्रों को देखें तो
आप चित्रों से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अबाउ नॉर्मल दिख रहा है, 2 से 4 डिग्री ज्यादातर खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। हालांकि ये जो टेम्परेचर का जो उतार और चढ़ बढ़ा हुआ है ये धीरे धीरे आपको बाकी दूसरे भागों में कम ज्यादा देखने को मिल रही। हालांकि देश के उत्तरी भागों में अगर हम अवलोकन करें 2 दिनों के बाद धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है अगर हम उत्तरी भागों की बात करें। लेकिन इसी जगह का ये लाइकली नॉर्मल अगर हम बोले वो 2 से 4 डिग्री वेस्ट राजस्थान में दिख रहा है, 2 से 3 डिग्री और नियर नॉर्मल की स्थिति दिख रही है उत्तर पूर्वी राज्यों में। हालांकि अगर हम ईस्ट राजस्थान और गुजरात की बात करें यहाँ पे बिलो नॉर्मल होने की संभावनाएं दिख रही है। और अगर हम एक बड़े तौर पे बोलें कि सप्ताह के दूसरे पखवाड़े के दौरान राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। अगर हम तापमान के दूसरे सप्ताह की तरफ चलें तो यथावत स्थिति बनने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि जो अधिकतम तापमान है वो इंक्रीज होगा अगर हम पहले सप्ताह जो 28 से 3 जून के बीच अगर हम उससे कंपेयर करें तो अधिकतम तापमान के बढ़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि बिलो नॉर्मल होगी बाकी के देश के बाकी हिस्सों में, गुजरात उड़ीसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां पे ये लाइकली टू बी नियर नॉर्मल होने की संभावना ये ज्यादा दिख रही है। अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो सप्ताह के कुछ दिनों में गुजरात और उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावनाएं दिख रही है दूसरे सप्ताह में। मेरा आपसे अनुरोध है अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम ऐप डामिनी ऐप मेघदूत को तुरंत डाउनलोड करिए और हमारे जो वेबसाइट्स पे आइए और उसमें ताजा जानकारी आपको स्थानीय जानकारी और पूरे देश की जानकारी आपको मौसम की मिलेगी। इसके साथ ही हम फिर से मौजूद होंगे अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।